बाबू जी का पदार्पण हुआ है, ये हमारे नगर के लिए गर्व की बात है। हमारे बीच उपस्थित है, हमारे गौरव है। तो आज हमारे ये जो आबिर है, इसी के विषय में कुछ चर्चा परिचर्चा करेंगे और हमारे हिताद आएगा तो हम चाहेंगे हमारे बीच रामजी भाई बैठे हैं और हम उनसे आग्रह करेंगे कि हमें अपने विचारों से अनुग्रहित करें। राम जी, आप सभी को मेरा प्रणाम। और कुछ लोग मुझे जानते होंगे इसमें से और बहुत सारे लोग नहीं। मैं रामजी कमाल पंडित जी ब्रह्मदेव का पुजारी, जो मंदिर बन रहा है इसमें हम सभी का सहयोग बहुत ही जरूरी है। एक आदमी कुछ भी नहीं कर सकता अकेले। कोई भी अगर चाहे कि हम अकेले कुछ भी कर ले जाएं, तो ये संभव ही नहीं है, नामुमकिन है। इसलिए जितने लोग भी यहाँ उपस्थित हैं और जो नहीं उपस्थित हो पाए हैं, इसमें हम सभी का सहयोग बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। तो हम सब मिलकर किसी भी कठिन से कठिन कार्य को आसानी से सुगमता पूर्वक कर सकते हैं। इसमें हमारा दृढ़ संकल्प बहुत ही जरूरी है। हमें कोई भी कार्य करना है तो उसके प्रति हमारे अंदर, हमारे मन में किसी भी प्रकार का कोई शंका नहीं होना चाहिए। और जो भी कार्य करना है, उस कार्य के अंतिम चरण तक पहुंचने के लिए हमें प्रयासरत रहने की जरूरत है। हो सकती है बीच में बहुत सारी आपदाएं आ सकती हैं, रुकावट आ सकता है, तो उसके लिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है। एक दूसरे से मिलकर कोई भी कठिनाई, कोई भी समस्या हो तो उसका समाधान करना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि सहमति से सब कुछ हो सकता है। जो ना होने वाला हो वह भी अगर हमारी सहमति है, सहयोग है, तो आसानी से हम कर सकते हैं। इसलिए जो मंदिर आपके सामने है, इसमें बहुत सारे कार्य अधूरा है, बाकी है, जो सभी लोगों के सहयोग से संभव है। इसलिए हम सभी लोग मिलकर सहयोग करें ताकि यह मंदिर अपने अंतिम चरण तक पहुंच सके, जो इसमें कमियां हैं वो दूर हो सके और जल्द से जल्द यह मंदिर पूर्ण हो सके। मैं माननीय विधायिका, भारत माता की, सभी लोग एक बार बोलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले सप्ताह हम सभी के अथक प्रयास से, माननीय विधायक जी के प्रयास से, एक सामुदायिक कक्ष के अवसर पर उपस्थित थे। सामुदायिक कक्ष बनना शुरू होने वाला है, क्योंकि उसका उद्घाटन, उसका शिलान्यास करना इसलिए आवश्यक था क्योंकि आचार संहिता लग चुका है। अब उस काम को करने में कोई व्यवधान, और किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति हो, किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, उसके साथ किसी भी प्रकार का अगर कोई अन्याय करता है कि तो हम विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता उसके साथ खड़े होकर उसे न्याय दिलाने का काम करते हैं। थोड़ा सा मैं पीछे जाना चाहता हूं, जब हमारा देश गुलाम था, हमारे पूर्वज अंग्रेजों के कोड़े खाते थे। अंग्रेजों के यहाँ बिल्कुल नौकरी करने वाली स्थिति होती थी। हम गुलाम थे, हमारा मानसिकता गुलामी से परिपूर्ण था।
के बीच के तमाम ऐसे नौजवान जिनको हम भगत सिंह के रूप में जानते हैं, चंद्रशेखर आजाद के रूप में जानते हैं, है ना, वो हम कंप्यूटर में फीड करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग चल रहे हैं बिलारी बीच से। यहाँ माता जी का जो मंदिर था, और अभी देखिए आपने देखा कि विधायिका जी जो हैं, उनके प्रतिनिधि श्याम बाबू जी गुप्ता जी आए थे, और हम अब प्रस्थान कर रहे हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें चैनल पे।